वाले हैं या जिन्होंने देना है एग्जाम, वो क्या करो जो स्ट्रेटेजी आप मुझसे पूछ रहे थे, ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि आप कोई प्लान बना के चले और उससे कर ले। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको हो सकता है डिफरेंट अप्लाई होती है चीजें। सबसे पहले तो है ना, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कोचिंग पे पढ़ रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे पढ़ने लगे हो, सबसे पहले घर पे जाके इस काम को बहुत बढ़िया से करो। जैसे आज मान लो हमने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है, तो इसमें पूरा टाइम इन्वेस्ट करो चीजों को जानने में, समझने में। मैं आपको अपनी रोजी पे ही खड़ा हूँ ये, क्योंकि मेरा मेरे पास जो पैसा आता है वो यहीं से आता है, इसलिए मैं अपने आपको प्रोफेशनली झूठ बोलूंगा तो गलत होगा। मैंने कभी एसएससी की कोचिंग नहीं ली, ना हमने कभी किसी कंपटीशन की कोचिंग ली। मैंने अपने लिए, मैंने यहीं से सीखा, बच्चों से सीखा और बच्चों को ही पढ़ाया। मैं सरकारी स्कूल में टीचर था, तो मुझे अपने उस सब्जेक्ट की नॉलेज थी, और सब्जेक्ट की जो नॉलेज थी वो मेरी माता श्री की वजह से थी, क्योंकि वो टीचर थी तो पीट पीट के पढ़ा देती थी मुझे, तो मुझे वहां की नॉलेज थी। हम मैंने कभी कंपटीशन पढ़ाया नहीं है, हमने बस यहाँ पे आके मैंने पढ़ाना शुरू किया 2012 में, जब एडवांस मैथ पहली बार एसएससी ने यूज किया 2011 में। यहाँ जितने भी टीचर थे वो सारे ऐसे ही थे, अभी भी बैठे हुए हैं, जिनको एडवांस का कुछ नहीं आता था, और चूंकि हम स्कूल में पढ़ाते ही वो सारी चीजें थी, तो इसलिए हमारे लिए एडवांस कुछ था नहीं वहां पे। तो मैं तो यहाँ पे आया था 2011 के एंड में यूपीएससी की कोचिंग लेने, मैं ऑलरेडी जॉब में लगा हुआ था, तो मैं 2011 के एंड में यहाँ यूपीएससी की कोचिंग लेने आया था। वो इसलिए लेने आया था, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने पूछा है, मैंने किसी को बताया, क्योंकि मेरा एक रिलेटिव था, और रिलेटिव क्या मेरे मतलब वाइफ के पक्ष में वो आईएएस सिलेक्शन हो गया उसका, तो जब उसका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मतलब जो नहीं लगना चाहिए लेकिन मुझे बड़ा बुरा फील हुआ। और मैं अच्छा बोला, अपने स्कूल में बड़ा सेटिस्फाइड था, बहुत बढ़िया से मैनेज करता था, दो बच्चों को पढ़ाते थे अब, लेकिन शांति से पढ़ाते थे, स्कूल में 2 घंटे पढ़ाते, वो 2 घंटे पढ़ाते लेकिन बढ़िया पढ़ाता था बच्चों को, और फिर अपने घर पे ट्यूशन उसे पढ़ा के मेरी लाइफ सही चल रही थी, मुझे बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। वहां से मुझे थोड़ी ईगो हर्ट हो गई, उसके बाद मैं आया 2011 में, मैंने दृष्टि में को एडमिशन ले लिया यहाँ पे, दृष्टि कोचिंग सेंटर। हाँ, तो वहां पे मैं करीबन 1 सवा महीना बैठा, तो मैं आपको अपनी लाइफ बता रहा हूँ कि मैं किस वजह से टीचर बन गया। मेरा इंटरेस्ट नहीं था इधर, मैं बहुत अच्छा कमा रहा था उस समय के रेस्पेक्ट में, मैं मतलब 100 100 बच्चों के घर पे ट्यूशन मतलब बैच बना लेता था अपने यहाँ पे, मैं तो मैं बहुत अच्छा कमा रहा था उस कमाई के हिसाब से, बड़ा सेटिस्फाइड था उससे। तो मैं आया 2011 में, यहाँ एंड में बैच शुरू हुआ था नवंबर में, दृष्टि में जीएस का इन्होंने भी पहली बार शुरू किया था और मैंने पहली बार कोचिंग दी थी। तो उसमें एक दो टीचर थे ज्योग्राफी वोग्राफी के, वो बड़े घटिया से थे कुछ उनकी वजह से, और कुछ मेरे हराम खोर पने की वजह से मैं उसको 1.5 महीने में ही छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया मैं, मेरे से नहीं हुई तैयारी। मुझे एक वो डी कुमार सर है इकोनॉमिक्स के, उनका बड़ा मजेदार से समझ में आता था, तो मेरे उसमें तो बड़ा इंटरेस्ट था, बाकी चीजों में मतलब सही से मैं कर नहीं पाया मैंने। दूसरा क्या था कि मैं एक बहुत टाइम के बाद स्टूडेंटशिप में आया था, मतलब मैंने टीचर बनने का काम कर लिया, वो भी सरकारी का जिसमें प्रेशर नहीं है, और फिर ट्यूशन पढ़ाते थे मस्ती से तो दिक्कत नहीं थी। तो स्टूडेंट बनना है ना लाइफ में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल का पॉइंट होता है, आप एक एज को छोड़ के फिर से स्टूडेंट बनना चाहे ना तो बहुत टफ होता है, मैंने महसूस किया। तो मैं स्कूल से छोड़ के इसलिए आ गया था कि मैंने आपको बताया मुझे वो ईगो हर्ट हुई, और मुझसे गलती क्या हो गई, या गलती कहो या मेरी वो किस्मत अच्छी थी, जो भी मैंने बस घर पे ईगो में बोल दी कि अब देखो मैं सिलेक्शन लेके दिखाता हूँ। तो 1 सवा महीने बाद मुझे औकात समझ में आ गई, लेकिन मेरी मतलब ईगो इतनी हैवी हो गई वहां पे कि मैं घर वापसी नहीं जाना चाहता था। आप विश्वास करिए, मैं 2011 की बात कर रहा हूं, जब मैं 3 3.5 लाख रुपए ट्यूशन के आराम से कमा लेता था, और तनख्वाह भी मेरी 60 65 हजार रुपए सरकारी थी, तो मेरे पास आराम से 4 लाख रुपए का जुगाड़ था, बहुत अच्छा था, और मैं उससे बढ़ा लेता उससे, मैं और अच्छे भेजा था, और मतलब भाग दौड़ नहीं थी मेरी लाइफ। लेकिन मेरे को दिक्कत ये हो गई कि मैंने वो शब्द घर पे बोल दिया कि मैं बन के दिखाता हूँ। घर वालों ने कहा कि अच्छा बोला, धंधा तूने अपना जवान का चुपचाप पढ़ाता है, बकवास नहीं कर, तेरे बस की नहीं होगा। वो
वो जो शब्द है ना कि तेरे बस की नहीं होगा, मेरा बेटा छोटा था उस समय 2012 में, तो मतलब मुझे बड़ी पिंच सी हुई वो चीज कि यार मैं अपने बेटे को कुछ तो बताऊंगा। अभी मेरा बेटा किसी को कहेगा जब बड़ा होगा तो कहेगा मास्टर सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो रेपो नहीं बनेगी। वो मेरी गलत सोचती हूँ। मैंने यहाँ दृष्टि में एडमिशन लिया तो मैंने ट्यूशन सारा छोड़ दिया, लेकिन मन में मुझे एक डर लगा रहा कि अगर कामयाब नहीं और मैं जॉब छोड़ दूं सरकारी, और कॉम्पिटिशन इतना है कि दोबारा कर भी पाए या नहीं कर पाए क्या पता वक्त का, तो मैंने जॉब नहीं छोड़ी। मैं जॉब के साथ साथ यहाँ कोचिंग लेता रहा, तो कोचिंग लेता रहा, तो एक सौ महीने बाद एहसास हुआ कि यार ये गलत रैंक पकड़ ली और इससे नहीं होने वाला। मैं वो डी कुमार सर की लगातार क्लास करता रहता, उनकी क्लास लेता, बाकी में मेरा मन ही नहीं लगता था, मैं क्लास छोड़ के उठ जाता था और बतरा के वहां चाय वाय पीता रहता था, घूमता रहता था। और एक तो यार दोस्त बन गए उसमें, वो भी मेरे जैसे, जिनसे हो नहीं पा रहा था। तो क्लास बंक करने के लिए हरामखोरों की जरूरत होती है। एक अकेले का मतलब इतना एफर्ट नहीं हो पाता, अकेले में इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो 1,00,000 रुपए या 80-85,000 में फीस जमा करके क्लास बंक कर ले। उसको कोई साथ में मिल जाए तो मजा आता है। दूसरी चीज ये कि मैं घर पे जल्दी जाना भी नहीं चाहता था, वरना घर वाले कहते क्या हुआ कोचिंग का। तो मैं उस चीज से भी बचना चाहता, मैं यहीं पे घूमता रहा। और मुझे 1.5 महीने में अल्टीमेटली फील हो गया फिर से नहीं होगा। मैंने 1 महीने बहुत मेहनत की शुरुआत में, लेकिन मैं अपने आप को उस लेवल पे ला ही नहीं पाया। मतलब मुझसे रात के 1 बजे तक बैठ के पढ़ाई नहीं है मेरे, 10-11 बजे और सोने का मन कर जाए, और प्लानिंग ये हो कि अब सुबह जल्दी उठना है। सुबह उठे तो वही 7 बजे, तो प्लान बनाई नहीं। मतलब मैं अपने आप को स्टूडेंटशिप यानी वो जो मेहनत करने वाला शरीर है ना उस पर लेके आई नहीं पाया। मैंने वो चीज छोड़ दी। छोड़ के उसके बाद 1-2 कोचिंग सेंटर थे छोटे छोटे, उन पे बात की कि मुझे पढ़ाने का मौका दे दो ऐसे ऐसे, तो नहीं दिया किसी ने भी मौका। तो फिर वापसी में यूपीएससी पे आया, कोचिंग तो चली रही थी, बंक मार रखा था बस। तो फिर बोले यार दोस्तों ने कि क्रिस्टोफर सर का नाम सुना है, वो इंग्लिश बढ़िया पढ़ाता है, चलो यूपीएससी के लिए बाद में हमें इंग्लिश तो चाहिएगी चाहिएगी, भैया वो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर होता है वहां पढ़ लेते हैं। मैं फिर उनके वहां चला गया और मैंने उनसे कहा कि सर मैं एस एस ए टीचर हूँ, क्रिस्टोफर सर बहुत अच्छे आदमी, एस एस में टीचर हूँ, और मुझे मतलब पढ़ा, मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ और कंटेंट वाइज मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या है चीजें, आप मौका दो। उन्होंने मुझे मौका दिया। उसके बाद मैंने उनके यहाँ थोड़े दिन पढ़ाया था, मतलब 10-15-20 दिन, तो उसी समय वो एडवांस का खौफ छाया हुआ था टीचर्स में, क्योंकि यहाँ जो टीचर्स थे ना उस मैक्सिमम 99% टीचर्स वो ऐसे थे जो बैच में बैठे हुए बच्चे हैं, जो यहीं से सीखे, जितना हम मुझे आता उतना मैंने आपको सिखाया, आपने थोड़ी मेहनत की और आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, आपका मैथ बैकग्राउंड है या नहीं है वो था ही नहीं, बस पढ़ाना जान रहे थे, वो उस चीज को लेके चलते जा रहे थे। एडवांस पोर्शन आया, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री अलजेब्रा ये सब उनको आता नहीं था, और ये हम लोगों को बहुत बढ़िया से आता था। अर्थमेटिक में सच में मुझे नहीं पता था कि मिक्सर एलिगेशन होता क्या है, और ये कोई चैप्टर एसएससी में पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन एक अलग चीज है, क्वेश्चन तो हम उस लाइन के तो क्यों नहीं निकालते, लेकिन उसको इतने टाइम पे और ये सब चीजें करके निकाला। तो क्रिस्टोफर सर ने मौका दिया, उसके बाद फिर नीतू मैडम से मेरी बात हुई, उनको मैंने बताया ये चीजें, और मैंने वहां पढ़ाना शुरू किया, और 1.5 महीने में ही मतलब मैंने स्पीड पकड़ ली अपनी पढ़ाने की, और फिर पढ़ाने की स्पीड आने लगी, तो धीरे 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 वहीं से 5-6 महीने में मतलब मुझे समझ में आ गया कि इस लाइन में पैसा है, और मैंने वहीं से अपने आप को बनाना शुरू कर दिया धीरे 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 धीरे। मैं यूपीएससी की पढ़ाई के लिए रात को 1 बजे तक नहीं जग पाया, लेकिन मैं एसएससी की तैयारी के लिए 1 बजे तक जगा, और मैं एसएससी के काम को तैयार करता रहा धीरे धीरे, क्वेश्चन को जैसे जैसे स्टूडेंट बताते रहे, डाउट पूछते रहे, ये सारी चीजें वो मैं करता रहा धीरे धीरे। तो मैंने इस एक्सपीरियंस से ये सीखा कि आपकी स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती, जब आपकी लगन बहुत भयंकर हो जाती ना चीज के प्रति। मेरे पास लगन नहीं थी, मेरे पास विकल्प खत्म हो गया, ट्यूशन मैंने छोड़ दिया, कोचिंग मेरे से हो ही नहीं पा रही, यूपीएससी पढ़ना ही नहीं, पढ़ाई नहीं जा रहा, करें क्या, बुरी स्थिति है, और घर पे जाके मुंह कैसे दिखाएं। तो उस वाली स्थिति में मैंने इसको वैसे चुन लिया, इसको, इस वाले प्रोफेशन को, और इस वाले प्रोफेशन में बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, 1-1.5-2 लाख रुपए टीचर को मिलते हैं यहाँ पे, आज भी 1-1.5-2 लाख रुपए टीचर को, तो मेरे लिए उस समय कुछ थे ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत कुछ छोड़ के आया हुआ था। तो मैंने इसको चुना,
फिर मैंने देखा कि अगर आप किसी भी तरीके से, या तो आपके पास ऑप्शन नहीं है या आपको बहुत ज्यादा लगाव है, जब आप एक चीज से बहुत भयंकर लेवल पे प्यार कर लेते हैं ना, जैसे आपके पास है, आपको अगर ऑप्शन दिखाई दे जाएगा ना कि आपके बाप की फैक्ट्री है, तो आप मेहनत नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिखाई देगा ना कि इस क्लासरूम के बाद कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में, जो है मुझे यहीं से करके जाना है, तो उसके बाद आपको किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी और मेंटली कंसेंट्रेशन अपने आप बन जाएगा। मेंटली जो कंसेंट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन से आता है, वरना हमेशा आदमी का ध्यान भटकता रहता है। मैंने आपको कहा कि मैं यूपीएससी के लिए 2 बजे तक 1:30 बजे तक नहीं बैठ पाया पढ़ने के लिए, लेकिन एसएससी में बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं 1:30-2 बजे तक पढ़ पाया और मैंने मेहनत की और मैं पढ़ाता चला गया। और मेरे पास जितने भी चीजें हैं आज वो सारी वायरल है, मैंने नोट्स भी बना दिया, वीडियो भी बना दिया, अब 4-4 हज़ार बच्चे भी बैठते हैं, वो इसलिए नहीं है और बाकी टीचरों के पास इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने दूसरे से सीखा, बुरा नहीं है वो, लेकिन मेरे पास इसलिए क्योंकि मैंने खुद से सीखा और मैंने खुद से चीजें बनाई और अपने बच्चों से सीखी। बच्चे ने एक चीज पूछ ली और मैंने गलत बता दी तो मुझे वहां फील हो जाता था कि मुझे इस पर काम करना पड़ेगा, और सच मायने में उस समय तक यह भी नहीं पता था कि किन किन किताबों से चीजें उठा के बनाए। उसके बाद तो मैंने इतनी चीजें बना बना के छोड़ी ना कि मतलब बाकी उसको पकड़ के आगे बढ़ते रहे। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है ना तो अपना कुछ ना कुछ यूनिक लाना पड़ेगा। हम किसी रटे रटाए पैटर्न को पकड़ के आगे जाना चाहेंगे ना, कभी आगे नहीं जा पाएंगे जीवन में। तो आपको जो स्ट्रेटजी है ना उसकी जरूरत नहीं है, आपको फुल्ली डेडिकेशन की जरूरत है। मुझे लगता है कि एक बार जो चीज मैंने यहां पढ़ाई ना, यहां पे जो पढ़ाई और उसमें सामने से एक दो आदमी ने क्रॉस कर लिया, तो वहां मेरी असली औकात पहचान में आ गई कि मैं कितना बढ़िया से उस चीज को जानता हूं या नहीं जानता हूं। कॉन्सेप्ट ऐसी चीज नहीं है कि मैं बोर्ड पे कहूं और आपको आ गया समझ में और आप घर चले जाए और आपको आ गया, नहीं। कॉन्सेप्ट बहुत गहरी चीज है और उसकी गहराई की जांच तब हो पाएगी जब सामने वाला आपसे कुछ पूछ पाए। और मेरा मैं थोड़ा बहुत ठीक इसलिए है क्योंकि मेरी मम्मी टीचर थी तो वो पढ़ाती थी तो मुझे भी साथ रखती थी, तो मैं भी बच्चों को छोटी क्लासों से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता था। तो जब बच्चा आपसे क्रॉस करेगा ना तो सही मायने में वो आपकी औकात लाके देगा। कोई भी आदमी कामयाब तभी होता है जब उसे उसकी कमी पता चल जाए। अगर उसे उसकी कमी पता नहीं चलेगी तो वो सुधार कहां से करेगा। और कमी बताने वाला दुनिया में बहुत कम लोग हैं और जो है वो भगवान होता है। तो जो आप पढ़ रहे हो ना यहां से उसको घर पे जाके बहुत बढ़िया से मेहनत करो। नेक्स्ट डे अपने दोस्त को उस पूरी चीज को समझाओ और उसको बोलो कि तू इसमें कुछ पूछ, तो इसमें कुछ ना कुछ निकाल कमी मेरे में, कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर, और अगर मैं तुझे सेटिस्फाई कर पाया तो भाई ये मैथ वो नहीं है कि जो पुराने जमाने में रसरी आवाज जाते पत्थर पड़त निशान, कि हमें 50 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, हमें एक ही बार समझना है। लेकिन चीजें आ तो जाए पहले बढ़िया से, अगर बढ़िया से आ गई तो हमें फिर 50 बुकों से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ना किसी लाल किताब ना किसी और से। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में तो आए, और ये हम लोगों को गलत फहमी होती है कि हमें चीज समझ में आ गई। आप पूरी क्लास में आज मेरे हिसाब से अगर आज तो मैंने टाइम खराब कर दिया 10-15 मिनट, वरना 20 से 22 क्वेश्चन नहीं होते हमारे क्लास में। अगर हम उस 20 से 22 सवाल पे 3 से 4 घंटे लगा दें बढ़िया से उनको समझने में, और फिर किसी यार दोस्त को समझा दें कि चल तू कुछ पूछ इसमें से, मैं पूछता हूँ, और वहां चीजों को क्रॉस कर लेंगे ना, तो आपकी सॉलिड चीजें हो जाएंगी, कभी भूलोगे भी नहीं उन चीजों को। और यही सबसे अच्छा तरीका लगता है मुझे। जब मेरा बेटा बड़ा होगा ना तो मैंने उसको बहुत बड़े हो नहीं, मेरा उसका अर्थ यही होगा जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मैं उसको ऐसी ही क्लासों में बैठाऊंगा और कहूंगा कि तू पढ़ मेरे पास, या मैं कोई अच्छे टीचर होंगे उनके पास पढ़, और पढ़ के मैं क्लास में ना बच्चों के डाउट सॉल्व कर, तो सब डाउट सॉल्व कर। बच्चा जितना आपको रमा कर देगा ना उतना कोई रमा नहीं कर सकता। मेरे लिए एसएससी मैंने जो एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब ली, मेरे लिए सिर्फ बाएं हाथ का भी खेल था, टिपली उंगली के बराबर भी खेल था। इसलिए मैंने कभी आपको बोला नहीं कि मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूं, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने एक्चुअल में वो प्रेशर झेला ही नहीं। स्टूडेंट के लिए प्रेशर होता है कि नौकरी नहीं तो कुछ नहीं, मेरे पास नौकरी जो थी वो तो मेरा प्रेशर था ही नहीं, क्योंकि मेरे पास प्रेशर था कि मैं घर पे कैसे जाऊं, तो उसके लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया कोचिंग के रूप में।
दो लोग जानने लगे, दो पैसा मैं कमाने लगा, घर वाले भी शांत हो गए वहां पे। तो नौकरी मेरे लिए प्रेशर नहीं था। नौकरी तो मैंने इसलिए नहीं कि पहले मैं अपने आप को चेक भी तो कर लूं कि मैं ईमानदार हूं भी नहीं हूं एसएससी के लिए। मैं लोगों को स्ट्रेटेजी तो बता दूं, लेकिन पहले मैं खुद कामयाब हूं भी कि नहीं हूं। मैं आज तुम्हें बताने लगा हूं कि देखो बेटा यूपीएससी की तैयारी ऐसे करते हो। अरे उल्लू खुद से सिलेक्शन करवानी, तू बता कर रहा है। जो आज तक के टाइम में मार्केट में 99% लोग कर रहे हैं, यूपीएससी में जितने टीचर हैं सारे के सारे वो टीचर हैं जो खुद सिलेक्शन नहीं ले पाए, साथ साथ आठ आठ अटेम्प्ट में भी कामयाब नहीं हो पाए, उसके बाद टीचिंग जॉब चुन ली। ये 99% लोग है एसएससी में भी और बाकी चीजों में जो सिलेक्शन ले ही नहीं पाए। उसके बाद मतलब किस्मत ऐसी झंड थी उनकी कि कुछ हुआ ही नहीं तो फिर इधर आ गए। तो मैं उसमें कैसे स्ट्रेटजी हम बनाए, तो स्ट्रेटजी हम उसी चीज की बता सकते हैं जिसमें हम कामयाब हुए हों। तो मैंने नौकरी इसलिए नहीं है कि मैं एक बार देख तो लूं कि कामयाब हूं या नहीं, और मैं उसका गुमान या मैं कभी बच्चों को बोलता इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उस प्रेशर को फील ही नहीं किया। आप लोगों में बड़ी झंझलाट होगी पेपर सोल्व करते, बड़ा मतलब प्रेशर होगा कि अगर एक छोटी सी गलती होगी तो 2 साल के लिए फिर से इसी जंगल में बिताना है मुखर्जी नगर में, जहां छोटे छोटे कमरे हैं, जहां ना खाने को सही से चीजें हैं ना पीने का सही पानी है, और ऐसे भीड़ में जानवरों की तरह बैठे हैं 3-3, 4-4 हजार बच्चे, टीचर को एक पैसे की कदर नहीं है। आपके ऊपर सच मायने में प्रेशर है कि अगर एक पेपर खराब हो गया तो मेरा 1.5 साल खराब हो गया। मुझमें प्रेशर नहीं था उस चीज का। इसलिए स्ट्रेटेजी आप मत किसी से पूछिए ना किसी से बनवाइए, आप खुद बैठिए शांति से और बस एक चीज करिए कि जो टीचर ने पढ़ाया ना वो बहुत मस्ती से पढ़ लें, उसके बाद कोशिश करिए किसी के साथ उस चीज को डिस्कस करने की, किसी को पढ़ाने की, चाहे वो जीएस का मैटर हो, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश किसी का भी। आप कोशिश करिए टीचर को कुरेदा जाए, टीचर को मतलब टीचर के पास जब पैसा आता है ना, जैसे मेरे पास है, जब मैं नया नया था मैं बड़ी मेहनत करता था बच्चों को, बड़े प्यार से पढ़ाता था तरीके से। अब क्या हो गया कि सुबह से शाम तक का रोज यही काम हो गया, यही काम हो गया तो हमें बोरिंग फील होने लगती है, हमारे मन में यह आता है कि चलने दो। और बच्चा कई बार पूछता है तो मेहनत लगती क्योंकि गला खाता है बताने के लिए, यहां दिक्कत आती है, आपको बोलना पड़ता है, और जब बोलना पड़ता है तो बुरा लगता है। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है बुरा लगे या भला लगे। इसलिए टीचर से खूब कस के वार्तालाप करिए अपने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे। जितना टीचर को पूरे दोगे ना उतना बढ़िया से समझ में आएगा। घर पे जाके मेहनत करो इसी काम पे, और उसके बाद फिर किसी को समझाओ। मेरी बात ध्यान रखना, जितना किसी को समझाओगे ना, देखो मैंने ये कौन सा चैप्टर है हमारा, टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें शायद 100-125 क्वेश्चन होंगे, हम डाउट और डिस्कस कर लेंगे 125 क्वेश्चन। आप शॉर्ट शॉर्ट मान के चलिए कि पेपर में जब सवाल आ रहा होगा ना तो बहुत रेयर सिचुएशन होती है कि सेम लैंग्वेज आपको मिल जाए, क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिलेगा ही मिलेगा। और जब क्वेश्चन डिफरेंट मिलेगा ना तो वहां पे बड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए चुनना कि किस तरीके से करें। आज बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि S+10 × S+20 क्यों नहीं कर लेते, ये काम ही तो चाहिए आपके लिए, ये काम घर पे बैठ के करो ना अच्छे से, यही तो चाहिए एक स्टूडेंट से कि इस 20 सवाल ही जो हुए इस पर रिसर्च कर ले पूरा, ताकि उसे जरूरत पड़ेगी ना प्रैक्टिस 1000 क्वेश्चन करने की, बस ये सवाल कर ले उसका, किसी भी एक किताब को उठा ले उसका सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो आप क्लास वाली चीजों पे ज्यादा फोकस करो, किसी से स्ट्रेटेजी मत जानो, हर कोई अपनी अलग अलग परिस्थिति से आया है, लेकिन आप ये जरूर मान के चल लेना कि आपकी मेहनत बेकार कभी नहीं जा सकती। आप बस मेहनत करेंगे ना तो कामयाबी हर हाल में आनी है, आप कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में हो आपको कामयाबी मिलेगी। मैंने अपने जीवन से सीखा है, मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि जो चीज आपको चाहिए ना उसको आप मन में बोलना शुरू करो। बोलना मतलब जैसे मुझे पैसा कमाना है, आज मुझे मान लीजिए ये मार्कर ये किताब परचेज करते हैं और मान लो ये किताब 1 करोड़ रुपए की है, ये कोई गिफ्ट आइटम है, तो मैं इसका सपना सोचू ना, तो सोचना चाहिए सपना। आप सोचेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे वरना कुछ होगा नहीं। और उसके साथ साथ तो उसके लिए ना प्रोसेस स्टार्ट कर दो। मैं जब 2014 में जब मैं अच्छा खासा पैसा यहां से कमाने लग गया था, तब मैंने अपने रिटायरमेंट का प्लान बना लिया था कि मैं क्या करूंगा। आप कुछ सोचिए और सोच के साथ साथ उसके लिए कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट भी करना स्टार्ट करिए कि मैं समाज के लिए क्या कर पाऊंगा, अपने लिए क्या कर पाऊंगा, अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर पाऊंगा। बेहतरीन सोचिए और उसके साथ फिर उसमें कुछ काम भी करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच के बैठ जाए, सोच के नहीं बैठना है,
मैं आपको एक ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने हर महीने अपने पब्लिकेशन में 2.5 से 3 लाख रुपए दिए हैं पिछले एक साल से, मतलब पिछले 4 साल से मैं देता रहा हूं 2012 से, और मुझे अब जाके पब्लिकेशन से प्रॉफिट आना नजर मतलब स्टार्ट हुआ है, और अब वो इतना प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ है कि मतलब मेरा जो गम था पिछले 3-4 साल का जो लॉस का वो सारा कवर हो गया। अगर मैं सिर्फ 1 करोड़ कमाने का सोचूं महीने का और मैं एफर्ट ना करूं तो एक दिन में कोई भी नहीं होता। मैंने यहाँ पे मुखर्जी नगर में 250 रुपए घंटे से पढ़ाना शुरू किया था, 250 रुपए घंटे से, और जहां मैं अपना ट्यूशन पढ़ा रहा था उससे बहुत कम पे मैंने शुरू किया था यहाँ पे पढ़ाना। अगर मैं ये सोचता कि जितना पैसा मुझे आज मिल रहा है इतना ही पैसे से मैं शुरू करता तो शायद मैं कभी जीवन में शुरू ही नहीं कर पाता। मैंने जीरो से शुरू किया तो आज मैं यहां पे आ गया जहां पे जितना ओवरऑल है वो मेरे सपने से बहुत ऊपर चीज की चीज है। तो आप शुरू करिए, कहीं से इनिशिएट लीजिए, एफर्ट करिए, सपने देखिए, काम करिए, चीजों पे काम करेंगे तो कामयाबी होगी, सिर्फ सोचने से नहीं होगी। और जो ये स्ट्रेटेजी वाला मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, आप किसी को बताओ यार, जाके अपने यार दोस्त को पढ़ाओ, थोड़ा सा जो मुझसे ही पढ़ रहा है किसी से पढ़ाओ, उसको थोड़ा सा क्रॉस करो, चीजें बढ़िया से समझ में आएंगी। चलो ठीक है।